यहाँ पे बतख अपने अंडों के पास आराम से बैठी रही होती है, लेकिन तभी उसे भूख महसूस होती है और वह भूख की वजह से एक पास में पड़े हुए मिर्च को खा लेती है। उसे क्या पता था कि ये मिर्च है। जैसे मिर्च उसके पेट में पहुंचता है वह बहुत तेजी से जलन करता है और वह आग फेंकने लगती है। वह अपने मुंह को जैसे ही बंद करती है तो उसके पेट में गैस बन जाती है और वह हवा की तरह उड़ने लगती है। वह उड़ते उड़ते एक कैक्टस में फंसती है और अपने अंडों को नीचे छोड़ देती है और वह बेचारी का हवा ही निकलने वाला रहता है और वह निकल के पत्थर के ऊपर ही अंडे रह जाते हैं और वह बेचारी नीचे गिर जाती है। अब बतख दिमाग लगाती और फिर से मिर्च खा लेती है। मिर्च खाने के बाद उसका पेट फिर से फूल जाता है और वह अंडे के ऊपर ही उड़ने लगती है। वह फटाफट से एक कैक्टस को पकड़ लेती है। कैक्टस को पकड़ने की वजह से वह पत्थर उखड़ जाता है और अंडे के साथ बत्तख उस पत्थर को भी उड़ा ले जाती है। लेकिन जाने से पहले को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना, बी को पसंद करते हो तो कॉमेंट करना।